हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। कैसे हो आप सब? सभी लोग बढ़िया हैं और बढ़िया रहने भी चाहिए। तो रीट का एग्ज़ाम तो आप लोगों का हो चुका और आप लोगों ने अपने मार्क्स जो हैं वो भी लगा लिए होंगे। किसी के 125 बन रहे हैं, किसी के 130 बन रहे हैं और कई बच्चे जो हैं जिनके 100 या 110 भी बन रहे हैं। तो जिन बच्चों के 130 प्लस हैं तो वो लोग तो सिलेक्शन की दौड़ में हैं और उन लोगों का सिलेक्शन तो होगा। और हमारे चैनल से जिन बच्चों ने भी तैयारी की थी, लगभग सभी के मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए हैं और जितना मुझे उम्मीद थी, सभी लोगों ने कोशिश की है और मेहनत भी की है। तो मेहनत तो आप लोगों ने ही की है, तभी आप लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो काफ़ी बच्चे हैं, जितने बच्चों ने कोर्स लिया था सभी के SST में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सभी के 60 में से 45 आ रहे हैं, किसी के 48 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचिए कि आप लोगों की ही वजह से ये सब कुछ हो पाया है, क्योंकि केवल पढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता है, पढ़ने वालों का जज्बा भी होना चाहिए। अगर आप लोग भी इतना रुचि नहीं दिखाते तो मेरा भी मन नहीं लगता पढ़ाने में। तो अब जब रीट की बात पूरी हो चुकी है तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने मन को शांत रखना है और आराम करना है। दो चार दिन तो आप लोगों को रेस्ट करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत भी की है और आराम जो है वो भी सभी को चाहिए होता है। लेकिन जब रेस्ट हो जाए, जब अच्छे से मन शांत हो जाए और लगे कि अब जो है वो हमारे पास समय बहुत है, इस समय को गंवाना नहीं है, नेक्स्ट जो टारगेट है उसे पकड़ लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीट के बाद जो है वो आपकी सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो देखिए कब तक आती है, जब भी आती है मैं आप लोगों को सूचना दे दूँगी। और इस मंथ तो नहीं आएगी और अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है। इससे पहले भी यदि आती है तो भी आप लोगों को ये सूचित कर दिया जाएगा। हम यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। मैं केवल और केवल आप लोगों के हित को देखते हुए ही सारे काम करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा स्वार्थ होता है। लेकिन ये चीज़ तो आपने भी देखी होगी, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया था SST का, तो कितने मार्क्स उन लोगों ने गेन किए हैं। ठीक है, कई बच्चों ने बताया कि उनके तो 48 आए हैं, किसी के 52 मार्क्स भी आए हैं 60 में से SST के अंदर। और सभी बच्चों को ये पता चल चुका है अब कि 6 से लेकर 10 तक की जो RBSC की बुक कराई गई थी तो बिल्कुल आपके लिए सफिशेंट थी, यहाँ से बाहर आपका नहीं आया है, ये आप लोग भी जान गए हो। तो केवल और केवल हम लोग अगर बात करेंगे सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो कौन कौन दे सकता है, इसका मैं वीडियो जो है वो बनाऊंगी और जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई गलती हो। इससे पहले भी जो कोर्स था उसमें आप लोगों को बहुत ही आसानी से चीज़ें मिली और आप लोगों ने बहुत सारा लर्न भी किया। उसके साथ ही आप लोगों के टेस्ट इतने ज़्यादा लिए गए कि आपको क्वेश्चन पेपर जो रीट का था बहुत आसान लगा। सभी का यही कहना था कि बहुत आसान आया, आसान पेपर नहीं, आसान आप लोगों ने मेहनत करके उसे बना दिया था। तो अब देखिए, अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे RPSC सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी के बारे में, जो कि 9000 समथिंग आप लोगों की आने वाली हैं। और बिल्कुल आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो इन 9000 में से एक पद जो है वो आपका ही होगा, सिलेक्शन आपका ही होगा। ऐसा नहीं करना है कि रीट की कट ऑफ कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा और उसके भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे। नहीं, वैकेंसी 31,000 ही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 120 प्लस लेकर बैठे हैं, उनके भी आ सकते हैं वो लोग इस दौड़ में। लेकिन जब इतनी सारी संख्या होती है
तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये सच्चाई है। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों से क्लियर ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग आराम से रेस्ट करिए, उसके बाद मेरे साथ चैनल पर स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले हम ऑथेंटिक की बुक की ही बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को रीड के टाइम भी बताया था कि हम लोग केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सही रहेगा, तो एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल 6 से 10 तक की काफ़ी थी तो हमने किया। अब बात आएगी सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम की, तो वहाँ हम 12 तक की बुक को फॉलो करेंगे और इसके साथ ही बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग, जिन्होंने पहले बुक को नहीं पढ़ा उन लोगों को अब ये लगा ज़रूर होगा कि शायद हम पढ़ लेते तो शायद हमारे भी मार्क्स आ जाते। मैंने कई बार बच्चों को ये चीज़ समझाई है, यहाँ तक कि लास्ट टाइम तक भी बच्चे यही कह रहे थे। कई बच्चे, पता नहीं उनको क्यों डाउट था कि मैम इससे हो जाएगा क्या, 6 से 10 तक की काफ़ी है क्या, और कितना आपको समझाया जाए। आप लोगों को इतना क्लियर मैंने चीज़ें बता दी थी कि आप लोग उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए है। ज़्यादा पढ़ना अगर है तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए पढ़िए जहाँ ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो केवल और केवल सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। ऐसा नहीं करना है कि RAS लेवल की आप करने लग जाओ या रीट के लेवल की करने लग जाओ। सेकंड ग्रेड मतलब सेकंड ग्रेड, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 क्लास से। आपको पता है कि 9th, 10th, 11th और 12th ये चारों क्लासेस जो हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी, लेकिन बेसिक जो है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने रीट में पढ़ ली हैं 6 से लेकर 10 तक की, फिर भी जो न्यू सेशन की बुक हैं जो अब NCERT की चल रही हैं तो हम उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने रीट में उन बुक्स को फॉलो किया जो कि आपके सिलेबस में दी हुई थी कि हमें कौन से ईयर की बुक पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग किया। लेकिन अब हम जो वर्तमान में आपकी बुकें चल रही हैं स्कूल में, हम उनको फॉलो करेंगे, और जब नई बुक आती है तो उनमें कुछ मैटर जो है नया ऐड होता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि हमने पहले पढ़ लिए अब हम नहीं पढ़ेंगे, नए सिरे से पढ़ेंगे। आप लोगों के पास 5-6 महीने का टाइम बिल्कुल है, 5-6 महीने का टाइम है। 6 से 12 तक की इतना ज़्यादा घोट के पीनी है आपको ये किताबें कि सोते हुए भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पेज पर कौन सा पॉइंट था जिसमें ये लिखा हुआ था, आपको वो भी याद आ जाए। सिलेक्शन जब ही होगा, चाहे बच्चा जनरल कैटेगरी का हो, SC का हो, ST का हो, OBC का हो, EWS का हो, ये कोई मैटर नहीं करता। आपको तैयारी जनरल लेवल की ही करनी है। अगर जनरल कैटेगरी की तैयारी आप करते हैं तो सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने आप को एक तो कम नहीं आंकना है कि हमसे नहीं होगा, ये तो किसी बच्चे को बोलना ही नहीं है हमसे नहीं होगा, ये बोलना है कि रीट का तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, अब मैं सेकेंड ग्रेड को भी फाइट करूँगा। इतने ज़्यादा कोर्स को अच्छे से कर लूँगा कि जिस एग्ज़ाम को दूंगा उसी एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर पाऊँगा, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी है। यही सभी को सोचना है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा अब हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा या हमने रीट में तो बहुत टाइम निकाल लिया अब हमें कैसे मिलेगा। खुद सोचिए आप, अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोग 8-8, 9-9 घंटे जो हैं वो पढ़ाई को दे रहे थे, तो ये वही 24 घंटे में से टाइम था जो आप लोगों ने निकाला। अब भी आपको यही करना है, ठीक है। तो अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। पढ़ ली है बहुत अच्छी बात है, फिर भी स्टार्टिंग से ही, मैं तो YouTube चैनल पर 6 क्लास से ही स्टार्ट करवाऊँगी। जहाँ तक कि सिलेबस की बात करें उसका भी वीडियो जो है वो अलग से बनाकर डाला जाएगा, और आप लोग कैसे तैयारी करेंगे ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो सेकंड ग्रेड तैयारी करने वाले बच्चों की ज़्यादा है, कमेंट बॉक्स में मैंने देख लिया था।
फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी आपको 6 से 12 तक की तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये ही वर्ड जो है वो मैं इसलिए लगाया है क्योंकि आप कोई भी राइटर की बुक उठाएं, चाहे आपको किसी ने भी कहा हो कि आप ये वाले राइटर की ले लें बुक, ये वाले राइटर की ले लें बुक, लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग राइटर की बुकें जो हैं वो बाद में ले लेना। सबसे पहले आपको जो ऑथेंटिक बुक हैं उनको पढ़ना है, उनको पढ़ना नहीं, आपको उनको रटना है, याद करना है, समझना है। तो तैयारी के लिए आप लोगों को बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन 3 महीने 4 महीने काफ़ी नहीं होते हैं, कम से कम 5-6 महीने जो हैं वो आप लोगों को रेगुलर देने होंगे। तो यूट्यूब पर ही सभी बच्चों के लिए बुक्स जो हैं वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। इसमें बहुत सारा राजस्थान का जीके जो है वो आप लोगों के पूछा जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर जिसको विश्वास नहीं है तो बिल्कुल वो ना पढ़े, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं क्या हमारा हो जाएगा, क्या इतना ही काफ़ी है। तो देखिए, इन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिसको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल पे ना पढ़ें, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं केवल सेकंड ग्रेड के लिए ही पढ़ाऊँगी, हर चीज़ इसमें डाली जाएगी जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर शिक्षक भर्तियों की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, DSSSB की, आगे VDO की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, ये वैकेंसी जो है वो आपकी आएंगी, और VDO की तो आई हुई है। जो बच्चे इनकी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग इनमें जाएं, अभी से ही स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि कौन कौन सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। और एक वीडियो सिलेबस आएगा कि सिलेबस में आप लोगों के क्या क्या पूछा जाएगा, कितने पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, तो क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, लगभग मान लीजिए आप लोगों के पास 5-6 मंथ का टाइम है, जिसमें से जो लास्ट का मंथ होता है उसको केवल और केवल सेल्फ स्टडी को ही देना है, जैसा कि आपने इस बार भी दिया था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल मोटिवेशन के साथ, बिल्कुल जोश के साथ कि हम जो भी नया टारगेट ले रहे हैं तो उसमें भी सफलता हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।